नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच क्या कुछ हुआ आप सभी को पता है। आपने देखा कि कैसे शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दिया, दूसरे राज्य के होटल में जाकर जमे रहे। उनकी वापसी तभी हुई जब तख्ता पलट की सारी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। फिर बात आई शिवसेना पार्टी पर एकाधिकार की। उद्धव गुट के अनुसार शिंदे गुट ने शिवसेना के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। वहीं शिंदे गुट की दलील है कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के जो मूल सिद्धांत है उससे उद्धव गुट भटक गया है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है और हम ही पार्टी के असल वारिस हैं। इस तरह से पार्टी को लेकर दोनों गुट एक दूसरे पर हमलावर हैं। और फिर ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई। उद्धव गुट ने कहा, गलत तरीके से पार्टी छोड़ने वाले विधायक अब खुद ही मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। वहीं इसके जवाब में शिंदे कैंप ने कहा कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी के पुराने नेतृत्व पर अब बहुमत को भरोसा नहीं है। कोई एक नेता ही पूरी पार्टी नहीं होता, नेता के विरोध को पार्टी छोड़ना कह देना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलील रखी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखकर ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्द इसमें कोई फैसला आएगा। आपको बता दें कि दोनों गुटों की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब भी लंबित हैं। इन याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देना, विश्वास मत में शिवसेना के दो व्हिप जारी होने जैसे कई मसलों को उठाया गया है। इसके अलावा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी रोक लगाने के लिए उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इससे पहले 20 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। वहीं उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होता, इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया वह नहीं आए, असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वह चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं, आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। वहीं शिंदे गुट का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने कहा, जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वह कैसे बना रह सकता है, जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता कैसे हो गया। हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है, हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नेता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब पार्टी में दो खेमे हैं, 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था, कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे मामले में चुनाव आयोग तय करता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। तो इस तरह से दोनों खेमों के बीच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की सभी बिंदुओं को फिलहाल सुन रहा है और एक सिलसिलेवार ढंग से कोर्ट में बहस को अंजाम दिया जा रहा है। इस मसले पर कल भी सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि पार्टी सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला सुनाता है। आपको क्या लगता है, उद्धव और शिंदे गुट में किस गुट की दलील में दम है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।